फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन सेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एक इंडो वेस्टर्न चाइनीज रेसिपी है जो हर किसी को पसंद होती है। आइए देखिए मैं इस रेसिपी आपके साथ कैसे बनाती हूँ। चिकन सेजवान राइस रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ 350 ग्राम चिकन ले लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले आधा चम्मच नमक डाल देंगे। उसके बाद आप इसमें कॉर्नफ्लोर का आटा इस तरह से आप डाल दें, 1 से 2 चम्मच ही। इसमें 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर या रेड चिल्ली पेस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें ब्लैक पेपर के जो होते हैं पाउडर, उसे मैं इसमें 1/2 चम्मच 1 पिंच यूज करूँगी। फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। उसके बाद मैं इसमें एक एग तोड़ के इस तरह से डाल दूंगी। इसे जितना कम इंग्रेडिएंट से बनाना चाहें उतना ही ज़्यादा सबसे अच्छा बनेगा। और इसमें फिर थोड़ा सा ये मैं लाइट सोया सॉस यूज कर रही हूँ, 1 चम्मच। इन सबको डालने के बाद आप इसे अच्छे हाथ क्लीन हाथों से एक बार इस तरह से मिक्स कर दें। मैंने इन्हें इस अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म होने दे दिया था। अब इन चिकन के एक एक पीसेस को आप आराम से डाल करके इन्हें फ्राई कर ले। जब ये चिकन के पीसेस एक साइड से तैयार हो जाएं तो आप इसे हल्के हाथों से पलट ले। आप देख सकते हैं कितने यम्मी ये देखने में लग रहे हैं। हमारे चिकन के पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक एक कर थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनमें से मैं कुछ चिकन के पीसेस को, इस टाइप के जो चिकन है, इसे मैं बाहर निकाल करके कट कर लूँगी राइस के लिए, और कुछ को रहने दूँगी ये मैंने सेजवाइन जो वो चिकन है उसके रोस्ट के लिए। मैंने इस तरह से थोड़े से चिकन को रफली चॉप कर लिया और थोड़े को बड़े रहने दिया। अब मैं इसके प्रोसेस आगे बना के दिखाती हूँ। अब मैंने इस तरह से गैस पे पैन चढ़ा दिया। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया। ये सारे चीज प्रोसेस आप तेज फ्लेम पे ही करें, हाई फ्लेम पे। अब मैं इसमें चिल्ली अदरक और लहसुन डाल दूँगी इस तरह से। इसमें 1 चम्मच मैं स्प्रिंग ओनियन इस तरह से डाल दें, और थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच कैबेज डाल के आप इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर ही इसे 2 मिनट के लिए बस फ्राई कर ले। इसके साथ ही अब हम इसमें थोड़ा सा ये रेड चिल्ली का पेस्ट मैं इसमें 2 चम्मच डाल देती हूँ। उसके साथ इसमें टमाटो केचप 2 बड़े चम्मच, धनिया पत्ता के डंठल, स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, और 1 चम्मच विनीगर। इन सबको डालकर आप हाई फ्लेम पे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए चला ले। अब आप इसमें हॉट वाटर डाल दें। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप डालें। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ड्राई चाहिए, इसलिए मैंने इसमें बस 1 कटोरी ही वाटर यूज किया है। अब इसमें एक अच्छा सा उबाल आने दे। जब ये उबलने लगे, आप देख सकते हो उबलने लगे, मैंने 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया था, 2 चम्मच पानी लेके इससे हल्का हल्का डाल करके आप इसी तरह मिक्स करते हुए आप हल्का हल्का डालते रहे इसमें, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। आप देखते रहिएगा ऐसे ही डाल डाल के मिक्स करके। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें चिकन के पीसेस को इस तरह से डाल करके अच्छे से इसमें कोट कर देंगे, और 2 मिनट तक इसे इसी तरह उबलने दे। आप अच्छे से इसे चिकन के पीसेस को इसमें मिक्स कर दे। अब हम इसमें ऊपर से हल्का सा ये कैबेज में डाल दूंगी, और ये ग्रीन स्प्रिंग ओनियन, और हल्का सा धनिया पत्ता डाल देंगे। डाल करके इसे हल्का सा एक बार मिक्स कर दे। अब मैं इसे, ये तैयार हो चुकी है, इसे एक बाउल में इस तरह से मैं इसे इन पीसेस को निकाल लूँगी। सेजवाइन चिकन की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आइए अब हम चलते हैं सेजवाइन फ्राइड राइस की रेसिपी, फ्राई चिकन राइस की रेसिपी बनाने के लिए।
सेजवाइन चिकन राइस की रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पे पैन चढ़ाएंगे, फिर इसमें मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल इसमें ऐड कर दूंगी, सारे प्रोसेस को हाई फ्लेम पे। फिर इसमें जिंजर मिर्ची और गार्लिक इस तरह से डाल दें, इसके साथ ही हम कुछ स्प्रिंग ऑनियंस भी डाल देंगे और कुछ कैबेज भी इसमें डाल करके इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर ले। आप इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसी तरह कुक कर ले। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कैप्सिकम, कैरोट, बीन्स, ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं ये रेड चिल्ली पेस्ट डाल दूँगी और 1 चम्मच सोया सॉस इस तरह से डाल दूँगी, और ये ब्लैक पेपर पाउडर इसे भी डाल देंगे, और फिर मैं इसमें रेड चिल्ली रेड केचप जो होता है टमाटो केचप, इसमें मैं इस तरह से इसे भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच सेजवान सॉस ऐड कर दे रही हूँ। इन सारी चीज़ों को आप हाई फ्लेम पे ही पका लें, इसे 2 मिनट तक इसी तरह पहले फ्राई कर लें। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मैंने पहले से ही नमक और ऑयल डाल करके इस चावल को पका लिया था। अब इस तरह से पका करके इसमें अब इसमें ऐड, इसके साथ ही मैं इसमें अब साल्ट ऐड कर दूंगी। आपने चावल में पहले से ही साल्ट डाला है इसलिए उसी के अनुसार आप डालें, उसके अकॉर्डिंग सोच के। इसके ऊपर से मैं हल्का सा ये धनिया पत्ता भी इस तरह से ऐड कर दे रहे हैं। अब आप इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। अब मैं इसमें इन चिकन के पीसेस को जिसे मैंने रफली चॉप करके रखा था इसमें इस तरह से ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर दें, और इसमें आप 1 चम्मच विनीगर भी इस तरह से आप डाल दें। अब हम इसके ऊपर से ये हल्का सा मैंने ये कैबेज डाल दिया, धनिया पत्ता, और ये मैंने स्प्रिंग ओनियन हल्का हल्का डाल दिया। हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई। अब मैं इसकी बढ़िया सी आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे फ्राइड चिकन सेजवाइन और सेजवाइन फ्राइज राइस की चिकन की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे इस तरह से ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अगर आप इसे रेस्टोरेंट में खाने जाएं तो बहुत ज़्यादा उससे आप घर में कम सामान से ही आप इसे इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं इस चैनल में नई आई हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।